Good afternoon, all of you. Yesterday we are talking about the positions. Today we are discussing about the different types of position. What are the different types of position? Dorsal position or supine position, dorsal recumbent position, lithotomy position, lateral position, prone position, Sims position, Nature's position, Tendelberg position and Fowler's position. आज हम लोग क्या कर रहे हैं तो ये पूरा पोजीशन को डिटेल्स हम लोग देख रहे हैं। पहले सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन देख, ये पिक्चर में देखो, ये पोजीशन को हम लोग क्या बोलता है, सुपाइन पोजीशन बोलता है। ओके, नेक्स्ट, द पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक विथ हिज हेड एंड शोल्डर आर स्लाइटली एलिवेटेड। सुपाइन पोजीशन मीन्स पेशेंट लाइज ऑन ए बैक विथ हेड एंड शोल्डर, मतलब पेशेंट लेटने के टाइम कैसा लेता है, उसका बैक एंड हेड एंड शोल्डर सपोर्ट करके वो लेता है, लेटता है, उसका क्या बोलता है, सुपाइन पोजीशन बोलता है। उसका मेन यूसेस क्या होता है, ये कंफर्टेबल पोजीशन है, एग्जामिनेशन ऑफ हेड नेक चेस्ट अपडोमन एंड एक्सट्रीमिटीज, मतलब पेशेंट का हेड एग्जामिनेशन के लिए हम लोग हेड चेक करने के लिए, और नहीं है तो नेक चेक करने के लिए, नहीं है तो क्या है उसका चेस्ट वगैरह चेक करने के लिए, नहीं है तो पेड अपडोमन वगैरह चेक करने के लिए, नहीं है तो उसका हाथ और पैर चेक करने के लिए हम लोग क्या है ये सुपाइन पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, सर्जरी ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब क्या होता है, चेस्ट में कोई सर्जरी है, हाथ में कोई सर्जरी है, ऐसा वाला टाइम में भी हम लोग को ये सुपाइन पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। यह सुपाइन पोजीशन यूज़ करने के टाइम हमारे पास क्या 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 डिवाइस हम लोग यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए तो हमको पिलोस चाहिए, और क्या चाहिए, ट्रोकंजन रोल्स चाहिए, हैंड रोल्स और आर्म स्पिन चाहिए, और फूड बोर्ड चाहिए। इतना आर्टिकल्स हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये सुपाइन पोजीशन यूज़ करने के टाइम हम लोग सुपाइन पोजीशन देने के टाइम हम लोग यूज़ करना पड़ेगा। अब सुपाइन पोजीशन मीन्स क्या होता है, पेशेंट ये पोजीशन का हम लोग क्या बोलते हैं, सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। देखो ये पोजीशन में, पिक्चर में देखो, पेशेंट कैसा लेटा है, मतलब क्या है उसका हेड और नेक शोल्डर वगैरह सपोर्ट करके, हाथ वगैरह सपोर्ट करके ये लेता है, ये क्या है, कौन सा है, ये पोजीशन क्या है, सुपाइन पोजीशन है। ये पोजीशन मतलब क्या, वेरी कंफर्टेबल, आराम देता है पेशेंट को, ज़्यादा आराम मिलता है, और कोई हेड में, कोई नेक में, अब्डोमन में, कोई हाथ में, पैर में, कोई फीमेल हाथ पाई वगैरह चेक करने के टाइम हम लोग क्या है ये सुपाइन पोजीशन यूज़ कर सकते। और कोई सर्जरी, चेस्ट में कोई सर्जरी है, हाँ कोई क्या होता है अब्डोमन, पेड़ में कोई सर्जरी है, ऐसा कंडीशन में भी हम लोग क्या है ये पोजीशन यूज़ कर सकते, ये क्या होता है, सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट वन, प्रोन पोजीशन, देखो पिक्चर में देखो कैसा लेता है, ये उल्टा करके सुपाइन का उल्टा है, क्या है, प्रोन पोजीशन। देखो प्रोन पोजीशन, ए पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन ए अब्डोमन, अब्डोमन सपोर्ट करके पेशेंट लेता है, उसका क्या बोलता है, प्रोन पोजीशन बोलता है। हेड टर्न टू वन साइड, मतलब क्या, उसका हेड एक साइड में भी राइट साइड में रखेगा, नहीं तो लेफ्ट साइड में रखेगा, उसका क्या बोलता है, प्रोन पोजीशन बोलता है। हैंड हेल्ड इन कंफर्टेबल, अब उसका हाथ हम लोग पेशेंट का हाथ कंफर्टेबल पोजीशन में पेशेंट को रख सकते, ये क्या होता है, प्रोन पोजीशन बोलता है। इसका क्या क्या डिवाइस चाहिए, तो पिल्लो चाहिए, पिल्लो मे बी प्लेस अंडर द हेड, हेड का नीचे पिल्लो रख सकते, और क्या है, प्लेस ए स्मॉल कुशन अंडर द पेशेंट बिटवीन द एंड ऑफ द रिब केज एंड अपर अब्डोमन। ये मतलब क्या है, एक छोटा कुशन रख सकते, किधर, पेशेंट का रिब केज एंड अपर अब्डोमन का बीच में क्या है, एक छोटा कुशन भी रख सकते, ये क्या होता है, उसका कंफर्ट डिवाइस। प्रोन पोजीशन में हम लोग दो कंफर्ट डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, एक क्या होता है, पिल्लो है, दूसरा क्या होता है, स्मॉल कुशन अंडर द पेशेंट, स्मॉल कुशन कहाँ रहता है, रिब का, और क्या होता है, अब पेड का बीच में एक क्या कुशन भी रख सकते, ये क्या होता है, दो कंफर्ट डिवाइस। नेक्स्ट, इसका प्रोन पोजीशन का यूज़, ये प्रोन पोजीशन यूज वजह से हमको क्या यूज़ मिलता है, एग्जामिनेशन ऑफ पोस्टीरियर ट्रंक स्पाइंस एंड रेक्टम। अब पेशेंट का रेक्टम, उसका बैक और उसका स्पाइन, उसका ट्रंक वगैरह चेक करने के टाइम हम लोग को क्या है, प्रोन पोजीशन यूज दे सकते। नेक्स्ट वन, सर्जरी ऑफ बैक में कोई सर्जरी है, बटक्स में कोई सर्जरी है, ऐसा कंडीशन में हम लोग को ये पोजीशन यूज कर सकते, टू रिलीव प्रेशर ऑन एरिया सच एज सैक्रम, सैकुला एंड हील। हम लोग
ये लास्ट क्लास में हम लोग प्रेशर स्टोर के बारे बोला है, उस टाइम में हम लोग को ये प्रेशर स्टोर कम करने के लिए हमको क्या है प्रोन पोजिशन दे सकते आफ्टर एनेस्थेशिया टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। एनेस्थेशिया देने के बाद में भी हमको ये प्रोन पोजिशन दे सकते। प्रोन पोजिशन कौन सा यूज है प्रोन पोजिशन का? मेन यूज एग्जामिनेशन ऑफ पोस्टीरियर ट्रंक स्पाइंस एंड रेक्टम, सेकेंड वन सर्जरी ऑफ बैक, थर्ड वन टू रिलीव प्रेशर ऑन एरिया सच एज सैक्रम सैकुला एंड हील आफ्टर एनेस्थेशिया टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। एग्जामिनेशन ऑफ बैक बैक रक्टम एग्जामिनेशन के लिए हम लोग ये पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। सर्जरी कोई सर्जरी बैक बटक्स में कोई बैक साइड में स्पाइन में कोई सर्जरी है ऐसा कंडीशन में भी हमको ये पोजिशन दे सकते हैं। टू प्रेशर स्टोर कम करने के लिए भी ये पोजिशन यूज़ कर सकते हैं। एनेस्थेशिया देने के बाद में भी हमको ये पोजिशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या होता है? लैटरल पोजिशन। ये पिक्चर में देखो ये पोजिशन का हम लोग क्या बोलते हैं लैटरल पोजिशन। लैटरल पोजिशन मीन्स आल्सो नोन एज साइड लाइंग पोजिशन। एक साइड में लाई करके एक साइड में लेटा है उसका क्या बोलता है साइड लाइंग पोजिशन। पेशेंट लाइंस ऑन लेफ्ट साइड, मे बी लेफ्ट साइड भी पेशेंट का एक साइड में देख के पेशेंट को लाई करता है इसका क्या बताए पेशेंट लाइज ऑन लेफ्ट साइड भी हो सकते हैं नहीं तो राइट साइड में। मेजर पोर्शन ऑफ बॉडी वेट ऑन डिपेंडेंट हिप एंड शोल्डर। ये इस एक कंडीशन में पेशेंट का बॉडी वेट कहाँ रहता है कि उसका हिप में और शोल्डर में पूरा उसका बॉडी वेट सपोर्ट होता है इसका। ये लैटरल पोजिशन में पेशेंट का बॉडी वेट वगैरह कहाँ रहता है इसका हिप में और शोल्डर में रहता है। नेक्स्ट वन उसका यूसेस, मेन यूज क्या होता है? ये कंफर्टेबल पोजिशन है, रिलीव प्रेशर ऑन बोनी प्रोमिनेंस मतलब प्रेशर कम करने के लिए ये पोजिशन यूज़ कर सकते हैं। एनिमा देने के लिए हम लोग को ये पोजिशन यूज़ कर सकते हैं और सपोजिटरी देने के लिए भी हम लोग को ये पोजिशन यूज़ कर सकते हैं और रेक्टल टेम्परेचर चेक करने के लिए भी हम लोग को लैटरल पोजिशन साइड लाइन पोजिशन यूज़ कर सकते हैं। साइड लाइन पोजिशन मीन्स आल्सो नोन एज क्या होता है लैटरल पोजिशन। पेशेंट एक लेफ्ट साइड में रहता है नहीं तो राइट साइड में रहता है और उसका पूरा बॉडी वेट हिप और शोल्डर में होता है। और क्या है इसका यूसेस मीन्स क्या होता है? एक कंफर्टेबल पोजीशन है, प्रेशर कम कर सकते हैं और एनिमा देने के लिए सपोजिटरी देने के लिए और रेक्टल टेम्परेचर चेक करने के लिए हम लोग को लैटरल पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन कैसा होता है? डिफर फ्रॉम साइड लाइन पोजीशन। ये साइड लाइन पोजीशन से डिफरेंट होता है। द वेट इज प्लेस्ड द एंटीरियर इलियम ह्यूमरस एंड क्लाविकल। वो हम लोग पहले साइड लाइन पोजीशन में बोला है वेट कहाँ रहता है हिप एंड शोल्डर में रहता है। ये सिम्स पोजीशन में कहाँ रहता है? ये वेट पूरा बॉडी का वेट एंटीरियर इलियम ह्यूमरस एंड क्लाविकल एंटीरियर इलियम ह्यूमरस एंड क्लाविकल में क्या उसका वेट पूरा रहता है। नेक्स्ट वन क्या होता है? पेशेंट लाइज ऑन हिज लेफ्ट विद लेफ्ट आर्म ड्रॉन बिहाइंड द बैक। पेशेंट्स का राइट लेफ्ट साइड में रहने का लाइज करता है उस टाइम क्या है लेफ्ट आर्म उसका बिहाइंड द बैक में रहता है। लेफ्ट आर्म बिहाइंड द बैक रहता है। राइट आर्म मे बी इन एनी पोजिशन। उसका राइट आर्म कोई भी पोजिशन में जा सकते। द राइट थाई इज फ्लेक्स्ड अगेंस्ट अब्डोमेन। राइट थाई कहाँ रहता है? अब्डोमेन से फ्लेक्स्ड रहता है। ये पोजिशन में हम लोग क्या क्या कम्फर्ट डिवाइस दे सकते पिल्लो दे सकते और क्या है उसके लिए क्या है पिल्लो अंडर द अपर भी रहता है। हमको ये एक कंफर्टेबल कौन सा कंफर्टेबल यूज़ करते हैं पिलो। इस कंडीशन में पिलो हमको यूज़ कर सकते हैं। सिम्स पोजिशन। सिम्स पोजिशन का यूज़ मेन यूसेस क्या देखो पिक्चर में देखो उसका मेन यूसेस क्या है? वजेनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन टू रिलीव प्रेशर इन बटक्स स्कैपुला एंड हील। दो यूज़ के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन वजेनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन एंड सेकेंड वन टू रिलीव प्रेशर इन द बटक्स एंड स्कैपुला एंड हील्स। टू रिलीव प्रेशर इन द बटक्स स्कैपुला एंड हील्स मेनली टू यूज है। फर्स्ट यूज क्या वजन रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, सेकेंड वन टू रिलीव प्रेशर इन द बटक्स स्कैपुला एंड हील्स। नेक्स्ट वन फाउलर्स पोजिशन। फाउलर्स पोजिशन ये पोजिशन का आप लोग क्या बोलता है? फाउलर्स पोजिशन बोलता है। फाउलर्स पोजिशन 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है। इसमें हम लोग देखो फाउलर्स पोजिशन इससे इट इज एन अपराइट पोजिशन विद पेशेंट इन ए सिटिंग पोजिशन इन द बेड विद लेग रेस्टिंग ऑन द बेड। ये पेशेंट मेनली फाउलर्स पोजिशन में भी सिटिंग पोजिशन है। हाफ सिटिंग पोजिशन का हम लोग क्या बोलता है? फाउलर्स पोजिशन बोल सकते हैं। इसमें 30 डिग्री में आ जाएगा हाफ है, 30 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये पोजिशन का आप लोग क्या बोलता है? फाउलर्स पोजिशन बोलता है। ये पिक्चर में देखो ये क्या है 45 डिग्री में आता है, 90 डिग्री है, ये हाफ सिटिंग पोजिशन है। ये पोजिशन के आप लोग क्या बोलता है? फाउलर्स पोजिशन बोलता है। ये फाउलर्स पोजिशन देने का टाइम पेशेंट को क्या क्या इसका क्या है सिटिंग पोजिशन में हाथ क्या बेड में रेस्ट करता है क्या सॉरी पैर बेड में रेस्ट करता है उसका
सिटिंग पोजिशन में पैर बेड में रेस्ट करता था, इसको क्या बोलता है फाउलर्स पोजिशन बोलता है। इसमें कौन सा कंफर्टेबल यूज़ करता है, बैक रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और नी क्या है नी पिलो यूज़ कर सकते हैं और क्या है आर्म पिलो भी यूज़ कर सकते हैं। मेनली थ्री डिवाइस कंफर्टेबल यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है बैक रेस्ट है, सेकेंड वन नी पिलो है, थर्ड वन आर्म पिलो है। टाइप मेनली हाई फाउलर्स, देखो हाई फाउलर्स में बोला है इस पिक्चर में, देखो 90 डिग्री का हम लोग क्या बोलता है हाई फाउलर्स पोजिशन। सेमी फाउलर्स क्या है 45 डिग्री का हम लोग क्या बोलता है सेमी फॉलोअर्स बोलता है। लो फॉलोअर्स पोजिशन मीन्स 30 डिग्री, ये पिक्चर में देखो ये पेशेंट को 45 डिग्री में आता है, ये क्या होता है सेमी फॉलोअर्स है। थ्री टाइप ऑफ फॉलोअर्स है, हाई फॉलोअर्स है, सेमी फॉलोअर्स है, लो फॉलोअर्स है। मेनली थ्री टाइप ऑफ फॉलोअर्स है ये फाउलर्स पोर्शन। उसका यूसेस क्या है, मेन यूसेस क्या है, फैसिलेट ड्रेनेज अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी का ड्रेनेज कम करने के लिए हम लोग क्या है ये पोर्शन यूज़ कर सकते हैं। रिलीव ब्रीथिंग डिफिकल्टी, पेशेंट को सांस लेने के लिए डिफिकल्टी है, ऐसा कंडीशन में भी हम लोग क्या है फाउलर पोर्शन यूज़ कर सकते हैं। रिलीव टेंशन और द अब्डोमिनल स्ट्रेच, अब्डोमिन में कोई टेंशन ज़्यादा मतलब कोई स्ट्रेस वगैरह कोई ज़्यादा वेट आ रहे ऐसा फीलिंग आने के टाइम में भी हम लोग को ये पोर्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर ईट क्या है, हमको टीवी देखने के टाइम ऐसा पोजिशन यूज़ कर सकते हैं। वॉचिंग टीवी और रीडिंग टाइम में हमको ये पोजिशन यूज़ कर सकते हैं। रिलैक्स लार्ज मसल ऑफ द बैक का लार्ज मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी हम लोग क्या है फाउलर्स पोजिशन यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है फाउलर्स पोजिशन का यूज़। नेक्स्ट वन क्या होता है ऑर्थोपेनिक पोजिशन। ऑर्थोपेनिक पोजिशन मीन्स हाई फाउलर्स पोजिशन मीन्स 90 डिग्री एंगल में ये पेशेंट रहता है, इसका क्या बोलता है हाई फाउलर्स पोजिशन। ऑर्थोपेनिक पोजिशन मीन्स हाई फाउलर्स पोजिशन। ओवर टेबल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, इसमें एक डिफरेंस क्या होता है, एक टेबल उसका क्या पेशेंट का फ्रंट में एक टेबल रहता है, ऐसा एक डिफरेंस है। और पेशेंट रेस्ट टू द बोथ हैंड ऑन द, ये पेशेंट क्या करता है उसका दोनों हाथ वो टेबल में रेस्ट करता है। ये पिक्चर में देखो, ये पिक्चर में पेशेंट का सामने एक टेबल रखा, टेबल में क्या है पेशेंट उसका दोनों हाथ रख के उसको क्या है रेस्ट ले रहे, ये पोजिशन का हम लोग क्या बोलता है ऑर्थोपेनिक पोजिशन। ये पोजिशन मेनली क्यों दे रहे, तो रेस्पिरेशन इंक्रीज करने के लिए ये पोजिशन दे रहे। इसका मेन इंडिकेशन कौन सा पेशेंट को ये पोजिशन देता है, मेनली डिप्सनिया आने का टाइम और हार्ट प्रॉब्लम कार्डियक पेशेंट को, मेन पेशेंट को थोरासिस हुआ नहीं तो पेशेंट को कोई चेस्ट ड्रेनेज है, ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या है ये ऑर्थोपेनिक पोजिशन दे सकते हैं। ऑर्थोपेनिक मीन्स हाई फॉलोअर्स पोजिशन, बट हाई फॉलोअर्स पोजिशन मीन्स मैं बोला है ये पिक्चर में पहले भी फॉलोअर्स में बोला है, हाई फॉलोअर्स पोजिशन मीन्स ये 90 डिग्री, ये पिक्चर में देखो 90 डिग्री है, ये इसका क्या बोलता है हाई फाउलर्स पोजिशन है भैया। ऑर्थोपेनिक पोजिशन में क्या होता है हाई फाउलर्स पोजिशन है, हाई फाउलर्स पोजिशन है, बट क्या है डिफरेंस क्या होता है उसका फ्रंट में एक टेबल रखा है, टेबल में पिलो होगा, पिलो में पेशेंट सपोर्ट दो हैंड सपोर्ट करके वो रेस्ट करता है, इसका क्या बोलता है ऑर्थोपेनिक पोजिशन बोलता है। नेक्स्ट वन लिथोटमी, ये पोजिशन का हम लोग क्या बोलता है लिथोटमी पोजिशन। उसका लिथोटमी मीन पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक, इन बैक द लेग्स आर सपोर्टेड एंड थाइस आर फ्लेक्स्ड ऑन द अब्डोमेन। द पेशेंट लाइज ऑन हर बैक, पेशेंट उसका बैक सपोर्ट करके वो क्या लेटता है, बट लेग सपरेट मतलब उसका दो लेग सपरेट रहता है एंड थाई भी सपरेट रहता है। द बटक्स आर केप्ट इन द एज ऑफ द टेबल, मतलब ये कंडीशन में क्या होता है उसका टेबल का एज साइड में बटक्स रहता है और दोनों हैंड कहाँ रहता है सॉरी दोनों पैर कहाँ रहता है उसका स्टैंड में रहता है, और इसका क्या बोलता है लिथोटोमी पोजिशन बोलता है। मैं ये पोजिशन मेनली पोजिशन में क्या है एक्सपोजर ऑफ जेनेटेलिया, वो क्या है जेनेटेलिया एक्सपोज करने के लिए ये पोजिशन का मेन यूज मींस क्या होता है। फर्स्ट वन क्या है वजेन एग्जामिनेशन, मेनली क्या है फीमेल पेशेंट का वजेन चेक करने के लिए ये पोजिशन दे सकते हैं। नेक्स्ट वन पैप स्मियर कलेक्ट करने के लिए भी ये पोजिशन यूज़ करते हैं। मेन क्या है फीमेल का वुमन का डिलीवरी टाइम ये पोजिशन यूज़ करते हैं, फीमेल को डिलीवरी के लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये क्या ये पोजिशन यूज़ कर सकते हैं। जेनेटल मतलब क्या है कोई यूरिनरी सिस्टम का चेक करने के लिए नहीं तो जेनेटल सिस्टम चेक करने के लिए हम लोग ये लिथोटमी पोजिशन यूज़ कर सकते। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट फॉर लिथोटमी। लिथोटमी पोजिशन पीछे देखो दो क्या करता है वो बैक में लेटा है बट उसका दो लेग एक स्टैंड में सपोर्ट करके रहता है और मेनली जेनेटली एक्सपोज
पोज करने के लिए ये पोजिशन यूज़ करता है और मेनली डिलीवरी के लिए ये लिथोट्रोपिक पोजिशन हेल्प करता है। नेक्स्ट वन क्या होता है, नी चेस्ट पोजिशन। पिक्चर देखो, नी चेस्ट पोजिशन है। नी चेस्ट पोजिशन में पेशेंट लाइज ऑन द बेड इन सच ए वे दैट द नीज आर चेस्ट रेस्ट इन द बेड। मतलब वो उल्ट, ये पिक्चर में देखो कैसा रेस्ट करता है उसका, क्या देखो उसका बैक थोड़ा ऊपर रहता है बट क्या है हेड नीचे रहता है। इसका क्या बोलता है, नी चेस्ट पोजिशन, द हेड इज टर्न टू वन साइड। उसका हेड एक साइड में रहता है। एक स्मॉल पिलो, क्या चेस्ट का नीचे एक पिलो रख सकते हैं और ये वेट पूरा कहा है नी चेस्ट और नी में ये पूरा वेट आता है। द नी आर फ्लेक्स्ड, नी आर फ्लेक्स्ड एंड थाई आर राइट एंगल टू लेग्स। नी थोड़ा फ्लक्स करके रखा है। इसका क्या बोलता है, नी चेस्ट पोजिशन बोलता है। नी चेस्ट पोजिशन देखो एक और बार, उसका क्या है, थोड़ा बैक मतलब हिप थोड़ा ऊपर रहता है और नी टायर नी चेस्ट पोजिशन और नी चेस्ट में पूरा वेट रहता है। वो नी चेस्ट के नीचे एक पिलो रखेगा। ये पोजिशन का क्या बोलता है, नी चेस्ट पोजिशन। ये पोजिशन मेनली यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रेक्टम एंड वजाइना पोस्ट पार्टम एक्सरसाइज। मेनली टू यूज के लिए, एग्जाम रेक्टम और वजाइना चेक करने के लिए और पोस्ट पार्टम एक्सरसाइज के लिए नी चेस्ट पोजिशन यूज कर सकते। नेक्स्ट वन टेंडलबर्ग पोजिशन। दो देखो, दो पिक्चर में देखो, एक में क्या है सिर नीचा है, नीचे है पैर ऊपर है। सेकंड वन देखो, सिर ऊपर ऊपर है पैर नीचे है। ये पोजिशन का मतलब क्या बोलता है, टेंडलर पोजिशन बोलता है। इसमें फर्स्ट, ये इसमें फर्स्ट पिक्चर में टेंडलर वन पोजिशन बोलता है। सेकंड नीचे वाला पोजिशन का रिवर्स टेंडलर, मतलब पहले एक्चुअली कैसा हो गया तो ये टेंडलर पोजिशन मीन्स क्या होता है, उसका पेशेंट का हेड नीचे होगा पैर ऊपर होगा। बट सेकंड पोजिशन अपने नीचे देखो, नीचे पोजिशन में क्या है, उसका उल्टा है, क्या है हेड ऊपर है पैर नीचे। ये पोजिशन का आप लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स टेंडलबर्ग पोजिशन बोलता है। ऊपर वाला पोजिशन कौन सा है, टेंडलबर्ग पोजिशन है। उसके बाद हेड ऑफ द बेड इज लोअर्ड एंड फुट राइज इन द स्ट्राइट लाइनिंग। ये हेड नीचे रहता है और फुट ऊपर रहता है। पेशेंट लाइन ऑन इस बैक, पेशेंट नॉर्मल बैक में रहता है और बेड आर अवेलेबल इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम। पेशेंट का बेड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम है ऊपर करने के लिए। रिवर्स टेंडलबर्ग पोजिशन में बोला है हेड ऊपर रहता है पैर नीचे रहता है। ये टेंडलबर्ग पोजिशन मीन्स क्या होता है, पेशेंट का हेड नीचे होगा पर उसका पैर ऊपर होगा। एक बेड में रहता है, रहने के बाद में पेशेंट का हेड नीचे है, पेशेंट का पैर ऊपर है, उसका क्या बोलता है, टेंडलबर्ग पोजिशन बोलता है। उस टाइम वो बैक में सेम बैक सपोर्ट करके रहता है और क्या है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंट्रोल चाहिए। बट रिवर्स टेंडलबर्ग पोजिशन में क्या होगा, पेशेंट का हेड ऊपर जाता है पैर नीचे जाता है, वो रिवर्स है, उसका उल्टा पोजिशन है। इसका मेन यूज मीन्स क्या है, वीनस सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए ये पोजिशन यूज़ कर सकते हैं। और पेशेंट को पोअर पेरिफेरल परफ्यूशन है तो ऐसा कंडीशन में भी हमको ये क्या है, ये टेंडलबर्ग पोजिशन यूज़ कर सकते हैं। पोस्टर ड्रेनेज का टाइम में भी हमको ये पोजिशन यूज़ कर सकते हैं। इन ओटी एग्जामिनेशन सर्जरी इन द पेल्विक ऑर्गन, ओटी एग्जामिनेशन और सर्जरी पेल्विक ऑर्गन्स का कोई सर्जरी का टाइम में भी हमको क्या है, टेंडलबर्ग पोजिशन यूज़ कर सकते। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ टेंडलबर्ग पोजिशन। टेंडलबर्ग पोजिशन का यूज मीन्स प्रमोट वीनस सर्कुलेशन एंड पुअर पेरिफेरल परफ्यूशन, कम रिटर्न पेशेंट विद प्योर पेरिफेरल परफ्यूशन। नेक्स्ट वन पोस्टरल ड्रेनेज यूज के लिए और क्या है, ओटी एग्जाम पेल्विक ऑर्गन्स का एग्जामिनेशन सर्जरी के लिए हमको टेंडलबर्ग पोजिशन यूज़ कर सकते। नेक्स्ट वन डोर्सल रिकमेंडेड पोजिशन। डोर्सल रिकमेंड पिक्चर में देखो, ये डोर्सल रिकमेंड पोजिशन। पेशेंट लाइज ऑन इज बैक, नीज फुल्ली फ्लेक्सिबल एंड लेग सेपरेटेड, थाइस फ्लेक्सिबल एंड एक्सट्रीमली रोटेट द फीट फैट ऑन द बैक। मैं लिथोट्रोपिक पोजिशन में कैसा बोला, हेड नीचे होगा पैर दोनों लेग सपोर्ट में ऊपर रहता है। बट ये डोर्सल रिकमेंडेड पोजिशन में क्या होगा, सेम है बट क्या है, उसका पैर नीचे रखें, ऊपर नहीं नीचे रखें। इसका क्या बोलता है, डोर्सल रिकमेंडेड पोजिशन है। पिलो इज प्लेस अंडर द हेड, हेड का नीचे एक पिलो रख सकते। इसका मेन यूज़ क्या है, सेम एक्सेप्ट मैं बोला वो लिथोट्रोपिक पोजिशन में भी वजाइना का यूज़ कर, वजाइना एंड रेक्टम का एग्जामिनेशन के लिए। कैथेटराइजेशन, फीमेल और मेल कैथेटराइजेशन के लिए ये पोजिशन दे सकते हैं। कोई रेक्टम में वल्वा और वजाइना में कोई प्रोसीजर करने के टाइम में भी हमको ये डोर्सल रिकमेंडेड पोजिशन यूज़ कर सकते। फर्स्ट पोजिशन पिक्चर देखो, फर्स्ट प्रोन है, सुपाइन है, राइट साइड लाइन पोजिशन है, फाउलर्स पोजिशन है, लेफ्ट लेफ्ट लैटरल रिकमेंडेड पोजिशन है, टेंडलबर्ग पोजिशन। दिस आर द मेन।